Hello student, my name is Mini Seti. Today I'm going to discuss about Bandura social learning theory. अब Bandura अपने learning theory में basically बात करते हैं observational learning की. Okay? Bandura किसकी बात करते हैं? Bandura अपने theory में बात करते हैं observation learning की. अब ये observation learning क्या है? Observation learning का मतलब है जो दूसरों के behavior को देख के, दूसरों के attitude को देख के, दूसरों के emotions को देख के जो हम सीखते हैं. ठीक है, observation learning क्या है? दूसरों के behavior को देख के, दूसरों के attitudes को देख के, दूसरों के emotions को देख के जो हम सीखते हैं वो क्या observation learning है. जैसे एक छोटे बच्चे को आप क्या बोलते हो कि सेल्फी वाला फेस बना. छोटा बच्चा क्या करता है? आपके फेस को ऑब्जर्व करता है. तो वो क्या करता है, आपको दो तीन बार सेल्फी वाला फेस बना के दिखाएंगे तो वो क्या करेगा, सेल्फी वाला फेस बनाना सीख जाएगा. क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कीन ऑब्जर्वर होते हैं. वो बड़े अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. उन्हें जैसा आप सिखाओगे, जैसा उनको बताओगे, वो धीरे धीरे वैसा करना सीख जाते हैं. ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है, और बच्चे क्या है, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसकी मम्मी ने उसको उसके बड़े भाई को इसलिए डांट लगाई क्योंकि वो बाहर अपने फ्रेंड से झगड़ा करके आया था. एक छोटे बच्चे के बड़े भाई को उसकी मम्मी ने इसलिए डांट लगाई क्योंकि वो बाहर अपने फ्रेंड से झगड़ा करके आया था. तो उसके छोटे भाई को ये सीख मिल गई कि मेरे बड़े भाई को मम्मी ने डांट लगाई है क्योंकि वो बाहर अपने फ्रेंड से झगड़ा करके आया था, मैं अपने फ्रेंड से कभी झगड़ा नहीं करूंगा. ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने बड़े भाई के बिहेवियर से और उस बिहेवियर के बाद उसके बड़े भाई को जो रिजल्ट फेस करना पड़ा, जो उसको मम्मी से डांट पड़ी, उससे ये सीख ले ली कि मुझे अपने फ्रेंड से झगड़ा नहीं करना है. इसी तरह वो बड़ा भाई मान लो उसका एग्जाम में ए प्लस लेके आता, उसकी टीचर उसको ए प्लस देती है, उसकी मम्मा उसको चॉकलेट देती है, उसकी मम्मा उसके बड़े भाई को किससे देती है, छोटा भाई इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, उसे पता चल रहा है कि मेरा भाई जब एग्जाम में ए प्लस लेके आया था तो मम्मा ने उसको किससे दी थी, मम्मा ने उसको चॉकलेट दी थी, तो मम्मा उसे भी इतना प्यार करे, मम्मा उसे भी इतनी चॉकलेट दे, तो वो भी क्या करेगा, एग्जाम में ए प्लस लेके आएगा. तो उसने क्या किया, अपने बड़े भाई के इस बिहेवियर को अपनी लाइफ में उतारा, इसी बिहेवियर से उसने सीखा, उससे उसके रिजल्ट से भी सीखा. जिस बिहेवियर का उसने देखा बड़े भाई का रिजल्ट बुरा आया था, मम्मी ने डांट लगाई थी, उस बिहेवियर को उसने अडॉप्ट नहीं किया, और जिस बिहेवियर का रिजल्ट अच्छा आया, मम्मी ने उसको चॉकलेट दी, मम्मी ने उसको किससे दी, उस बिहेवियर को उसने अपनी लाइफ में उतारा. तो ये क्या, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जब हम दूसरों के बिहेवियर को सीखते हैं और उस बिहेवियर को अपनी लाइफ में उतारते हैं. ठीक है, बंदरा बेसिकली अपनी थ्योरी में इसी की बात कर रहा है. इसके इंपॉर्टेंट टर्म में हम उसे उसके बारे में समझ लेते हैं. एक है मॉडल. अब हमारी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें मॉडल कौन है? मॉडल वो पर्सन है जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो. पर्सन हूज ऑब्जर्विंग. ठीक है, अ पर्सन हूज ऑब्जर्विंग, जिस पर्सन का या हूज बिहेवियर ऑब्जर्विंग, हूज बिहेवियर ऑब्जर्विंग, जिस पर्सन का बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या है, आपका मॉडल. ठीक है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, कोई फिल्म स्टार भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी हो सकता है जिसके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके जैसे आप बनना चाहते हो. ओके, कोई फिल्म स्टार, कोई टीचर, कोई पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है. ठीक है, जिसके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या है, मॉडल. ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडलिंग. अब इसमें मॉडलिंग क्या है? ठीक है, मॉडलिंग क्या, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर. क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग. ठीक है, मॉडलिंग क्या, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर. ठीक है, आप किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर उसे इमिटेट कर रहे हो, मींस उसे अपनी लाइफ में उतार रहे हो, उस बिहेवियर को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हो, इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग. किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, फिर उसके जैसा लाइफ में बनना, उसके बिहेवियर को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना, इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं मॉडलिंग. ठीक है, अब मॉडलिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. अब मॉडलिंग के कौन कौन से स्टेप है, हम बात करते हैं मॉडलिंग प्रोसेस के बारे में. और मॉडलिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या, अटेंशन. क्या है? अटेंशन. हम यहाँ पे शाहरुख खान का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, एक पर्सन है मोहन.
क्या है, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है, ठीक है, ये शाहरुख खान की तरह बनना चाहता है, शाहरुख खान के बिहेवियर को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहता है, शाहरुख खान क्या इसका रोल मॉडल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंशन। अगर मोहन वाकई में ही शाहरुख खान को अपना मॉडल समझता है, अपना रोल मॉडल समझता है, शाहरुख खान के जैसा वाकई में ही बनना चाहता है, तो जब भी शाहरुख खान की मूवी आएगी तो उसमें क्या करेगा, प्रॉपर अटेंशन पे करेगा, पूरे फोकस के साथ उसे देखेगा, ठीक है, क्या करेगा, अटेंशन क्या, फोकस ऑन व्हाट मॉडल डूइंग, ठीक है, इसमें क्या है, अटेंशन में फोकस ऑन व्हाट मॉडल डूइंग, आपका जो मॉडल है वो क्या कर रहा है उस पर फोकस करना। जैसे मान लीजिए ये मोहन है और ये शाहरुख खान की कोई मूवी चल रही है, तो मोहन क्या है, ध्यान से देख रहा है कि शाहरुख खान कौन कौन से डायलॉग्स बोल रहा है, शाहरुख खान अगर डांस कर रहा है तो कौन कौन से स्टेप को डांस में इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, कंप्लीटली अटेंशन पे कर रहा है, ठीक है। मॉडलिंग के प्रोसेस का पहला, मॉडलिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप क्या है, जो भी आपका मॉडल है उसकी एक्टिविटी की तरफ अटेंटिव होना, उसकी एक्टिविटी की तरफ अटेंशन पे करना। अगर आप अटेंशन ही नहीं पे करें तो काहे की मॉडलिंग, काहे की सोशल लर्निंग, वो तो तभी होगी ना जब आपका मॉडल है वो जो भी कर रहा है, जो जिस बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिस बिहेवियर को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ आप फोकस हो, उसकी तरफ आप अटेंटिव हो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या, रिटेंशन, अटेंशन। मोहन का मॉडल कौन है, शाहरुख खान, वो शाहरुख खान की मूवीज को ऑब्जर्व कर रहा है, शाहरुख खान की मूवीज को देख रहा है, उसके डायलॉग्स को ध्यान से सुन रहा है। सेकंड क्या, रिटेंशन, रिमेंबर, ठीक है। इसमें क्या, सेकंड प्रोसेस में क्या, रिमेंबर What you observe, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसे याद रखना, ठीक है। अगर आपके मॉडल ने, चाहे वो आपका मॉडल टीचर है, पेरेंट्स, आपका बड़ा भैया, कोई भी है, चाहे फिल्म स्टार है, यहाँ पे शाहरुख खान का एग्जांपल है, आप कोई भी ले सकते हो। अब शाहरुख खान ने जो भी डायलॉग्स बोले, जो भी उसके डांस स्टेप थे, उस अगर आपको कुछ याद ही नहीं है, मोहन को कुछ याद ही नहीं है, तो किस बात की सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग तो वही खत्म होगी। तो सेकेंड स्टेप का मतलब क्या है, अगर जो आपने ऑब्जर्व किया वो आपको याद, आपके मेमोरी में है, आपके माइंड में है, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, रिटेंशन। थर्ड प्रोसेस की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, एबल टू परफॉर्म, ठीक है। शाहरुख खान ने जो भी डायलॉग्स बोले, जो भी डांस स्टेप अपने मूवी में करे हैं, मोहन ने पहले क्या किया, अटेंशन पे करी, ठीक है, फिर उसे अपने दिमाग में याद रखा। तीसरा स्टेप है उसे अपनी लाइफ में उतारना, उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना, वैसे डांस करना, ठीक है, वैसे डायलॉग्स बोलना। अगर मान लो कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, चार फ्रेंड बैठे हैं, तो कोई अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहा है, तो मोहन क्या करेगा, शाहरुख खान के डायलॉग्स बोल के दिखाएगा। जैसे वो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग्स है मोहब्बतें का, किसी चीज को अगर आप दिल से चाहो तो सारी कायनात जुट जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए, इस तरह के और डायलॉग्स वो बोलता है, बोल के सुनाता है। या कहीं भी डांस होता है तो शाहरुख खान का ही डांस करना प्रेफर करता है, मीन्स वो शाहरुख खान का बिहेवियर को उसने जो ऑब्जर्व किया और जो उसके माइंड में है, उसको रिमेम्बर है, उसे अपनी लाइफ में उतारना, उसे अपनी लाइफ में करके दिखाना, ठीक है। तो वो होता है रिप्रोडक्शन, जो भी आपने आपके आपने अपने मॉडल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करा और वो जो आपकी मेमोरी में है उसे अपनी लाइफ में उतारना, उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना, ये क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, शाहरुख खान के डायलॉग, डांस स्टेप वो अपनी लाइफ में उतार रहा है, वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहा है। उसके बाद आपकी लर्निंग, इम्पोर्टेंट स्टेप, आपकी लर्निंग आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है आपके मोटिवेशन पर और आपकी रीइंफोर्समेंट पर। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी लर्निंग आगे जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है आपके मोटिवेशन पे और आपके रीइंफोर्समेंट। अगर मोहन क्या है, शाहरुख खान के डायलॉग्स बोलता है तो कोई उसको पॉजिटिव मोटिवेट करता है, वाह तू तो बढ़िया है, अच्छी एक्टिंग करता है, तू तो बिल्कुल शाहरुख खान की तरह दिखता है, तू तो बिल्कुल शाहरुख खान की तरह डायलॉग बोलता है, ठीक है। और वो बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन में शाहरुख खान जैसा डांस परफॉर्म करता है, उसको रिवॉर्ड भी मिलते हैं, प्रेज भी मिलते हैं, तो मोहन क्या करेगा, इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखेगा। अगर उस बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए मोहन को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, बहुत सारी प्रेज मिलती है, तो मोहन उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखेगा, उस बिहेवियर को रिपीट करेगा, जिससे उसकी लर्निंग को स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। और वो उस बिहेवियर क्या बन जाएगा, उसकी लर्निंग, उसकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा।
अदरवाइज क्या होगा, उसे नेगेटिव फीडबैक मिलती है, पुनिशमेंट, उसको डांट मिलती है, उसकी मम्मी बोलती है क्या डांसर बना फिरता है, उसको लोग बोलते हैं कहाँ शाहरुख खान, कहाँ तू, तो शाहरुख खान बनेगा, इस तरह की क्रिटिसिज्म मिलती है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, तो उसकी लर्निंग वही वीक हो जाएगी क्योंकि उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मिला उसे क्रिटिसिज्म मिली है, तो उसका मॉडलिंग प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या वहीं पे ही खत्म हो जाएगी, अगर उसको क्या मिलेगी, क्रिटिसिज्म मिलेगी। तो आपकी लर्निंग आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, ये बात डिपेंड करती है आपको कितना मोटिवेशन मिलता है, आपको क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है या फिर आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है। ठीक है, पॉजिटिव मिलेगी तो लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, वो आपकी लाइफ का पार्ट ही बन जाएगा, नेगेटिव मिलेगी तो लर्निंग वीक हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली बंदुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी थी, आई थिंक आपको समझ में आएगी। थैंक यू।